आपने नोटिस निकाली थी डिपार्टमेंट से? हाँ। निकाले दिखाओ सर। ना ना दिखाओ लोगों को ताकि उनको भी पता चले। व्हाट्सएप क्या करना है, दूसरी पंचायत में हर पंचायत में लिखा गया, इश्तेहारात लगाए गए और बताया भी गया कि आपको जो है परसों यानी कि फलानी तारीख को अटेंड करना है। आप मुझे बताए आपने कितने इश्तेहार पंचायत में लगाए, कितने बार आप ने लोगों को मुतल्लक किया है, उसके बाद काम करके भी नहीं आपके व्हाट्सएप में आया? कहीं आपने किसी दीवार पे पढ़ा ही है? किसी दीवार पे पढ़ा है? प्रिंट निकालने के पैसे निकाले जाएंगे लेकिन व्हाट्सएप पे कोई भी इस चीज को वैल्यू नहीं रखता, कोर्ट में भी इस चीज को वैल्यू नहीं है। अब किसी कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, क्या बुढ़ापे में जो लोग हैं उनके पास है? यहाँ एजुकेटेड कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं? मेरे पास दो मोबाइल फोन है, क्या मेरे वालिद के पास है? आपके पास बड़ा फोन है, क्या आपके वालिद के पास है? क्या आप उन चीजों पर नजर नहीं करते हो? इश्तेहार इसीलिए प्रिंटर बनाया गया है, वो बेवकूफ नहीं था जिसने वो प्रिंटर निकाला है ताकि अनपढ़ भी देखे कि इश्तेहार में क्या लिखा है। कम अज कम इन चीजों पर देखा जाए। नंबर एक। नंबर दो, कितने आपने आप डिपार्टमेंट ने आपने क्या कहते हैं फोन करके उनको बुलाया, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? बिल्कुल सरपंच की जिम्मेदारी। ना ना इस वक्त एक मिनट, उसके बाद एक मिनट, कल मैंने बात की थी वीएलडब्ल्यू साहब से, मैंने कहा 200 बंदे आएंगे, क्या ये लोग इस वक्त कुर्सी पर हैं? 20 कुर्सियां लगी हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या इनकी इज्जत नहीं है? क्या ये लोग कुर्सी के लायक नहीं है? क्या खाली इस तरह बैठने वाले लोग कुर्सी के लायक है? ये लोग देखिए सीढ़ी पर बैठे हुए हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि बुलाओ के अंदर इस क्या कहते हैं इजलास को किया जाए। पंचायत घर क्या करे सर, मैंने एसीडी साहब को बताया, कहने लगे वीएलडब्ल्यू आकर वेन्यू चेंज करता है वो हो जाएगा। लेकिन लेकिन उसके साथ वीएलडब्ल्यू नहीं चेंज कर सकता लास्ट मोमेंट में। और उसके बाद पहले दिन ही बोलते हैं हमने 7 दिन पहले नोटिस। आप मुझे बताए कौन सा जियोटैग फोटो आपने भेजना, आगे बताइए कौन सा भेजना आपने जियोटैग, यहाँ जी इजलास हो गया भेजना है कोई जियोटैग फोटो आगे? जनाब हमने भी मैं भी कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ लेकिन कोई जियोटैग फोटो आगे नहीं जाता, पेपर अटेंडेंस हो जाती है बस। उसके बाद मैंने कल कहा था कि वहाँ पर जगह नहीं है मलानू में, आप क्या कहते हैं इस इजलास को करो मलानू में, आपको छाया तो मिल जाता ना? हाँ, ग्राउंड के अंदर। ये छू यहाँ आपको अपने इलाके के बारे में पता है कि वहाँ सर्दी गर्मी कितनी है, हमें अपने इलाके के बारे में पता है कि सर्दी गर्मी कितनी है। कम अज कम इन लोगों का मैं तो खड़ा रह सकता हूँ, मैं 24-25 साल की उम्र का हूँ लेकिन आप 60 और 65 साल की उम्र का देखो, कम से कम उन लोगों को भी देखो, कोई चक्कर से गिर जाएगा उसका कसूरवार कौन रहेगा? क्या हम खाली जवान थोड़ी यहाँ पर आए हैं, बूढ़े लोग भी आए हैं, हमारे बुजुर्ग भी आए हैं, हमें उनकी इज्जत भी करनी है। पैसा कमाने के साथ साथ हमें अपने क्या कहते हैं जो बुजुर्ग हमारे हैं वो मर जाएंगे, हम पैसा कमाने पे बैठेंगे? कम से कम इन चीजों पर देखा जाए। उसके साथ यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर मैंने काफी बार कुछ चीजें हाईलाइट की। यहाँ देखा जाता है कि हवा किस तरह से उधरी वही दौड़ा जाए लेकिन जो जवान बात करता है उस बात पर गौर किया जाए। मैंने कल भी आपको फोन किया था लेकिन आप जो आज डायरेक्टर है ना उन्होंने हमारे साथ काम किया एज ए वीडियो, लेकिन आज के मुलाजिम कोई फोन करता है वो बोलता कौन है यार, कम से कम इज्जत दे दो। आप कहाँ से आए हैं, कौन आया है, क्या है पूछना तो है ये कि कौन हो गुलाल जी? कम से कम पंचायत के अंदर आप अच्छा ठीक है, आप मुझे बताए जियो टैग के बगैर यहाँ मकान है, आप कितनी बार उन जियो टैग करने के लिए गए? ये बड़ा इशू है सक्ति साहब, कितनी बार आप जो है उस मकान के अंदर गए? आप उसके बाद कम से कम 20 लोगों के मकान ऐसे हैं जो बने हैं लेकिन जियो टैग करने वाला कोई नहीं। एक मिनट,
जो टैग करने वाला कौन है? चलो बस 21 मिनट बिलाल चलो बस तू पूछो तुम यही ना जो टैग करना वो जो कहन कहने जो टैग शाबाश हो गया एक हां चलो बस तू जो जो पूछो यम सुन चोर मैं तो बस बस वो कितने लोगों को मिला है इन चीजों पर भी ध्यान दिया जाए कैसना कमी से जरा हाय मैंने नरेगा पूरा नहीं मिला उसमें आप कमी से नरेगा पूरा मिला कहीं ना बिल्कुल कुछ नहीं मिला कमी से यमस ना सतारे में आएगा मैं जरूर मैं तो नरेगा खुश हूं अगर बहुत जदोर लागन मे दोन दुन मिल चलो दोन जाए चोर दुन ठीक ना अगर जन वो कह जम पड़न कमिस हमें पंचायत मनानो के अंदर बताया गया कि यहाँ पर जो है काफी लोगों के पास जो है यहाँ पर सामान दिया गया है कंप्यूटर दिया गया है और उसके बाद किट दिए गए हैं लेकिन आप मुझे बताओ दो कुछ गुम हो चुका है यहाँ से न जाने कहाँ लिया गया है हम उसके बारे में कोई मालूम अपने हासिल करना चाहती हैं और वो जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट खुद बताएगा आप मुझे बताइए ये दो पीपल जो है यहाँ पर रखे गए एक जो है यहाँ पर ये लाकर रखा गया है आप मुझे बताए खाली है दिखाइए क्या है ये सिचल झोड़ा हलारन ये पटवारी हल्का बनाया गया है न कि पंचायत घर चलिए हम अब दूसरी साइड चलाते हैं आपको एक मिनट आप मुझे बताइए ये पटवारी हल्का है या पंचायत घर है पटवारी हल्का मलानू पटवारी मलानू ये देखो आपकी तरफ से पटवारी हल्का मलानू आइए दूसरी तरफ से हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर आप इस तरफ गणेशन से गुंजा और इंद्रवाल के अंदर पहले इंद्रवाल के अंदर आता है अब जो है ये डोडा के अंदर आता है ये ऑफिस यानी कि यहाँ पर लिखा गया कि यहाँ पर जो है ये पंचायत घर है ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये जो है पंचायत घर के अंदर होती है न कि किसी पटवारी हल्का के अंदर होती है हालांकि पटवारी हल्का जो है वो मलानू के अंदर आता है और इन्होंने दफ्तर जो है यहाँ पर बनाया गया है क्या पटवारी का दफ्तर यहाँ बनना चाहिए या जहाँ पर पटवारी हल्का का नाम दिया गया है अगर ये पटवारी हल्का है तो यहाँ पर ग्राम सभा क्यों अगर ग्राम सभा तो ये पंच पटवारी का हल्का क्यों